हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा एक्सपायरी डेट रीड्स के बारे में। देखिएगा, आज एक्सपायरी डेट रीड से पहले थी क्रेडिट पॉलिसी। 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी की अनाउंसमेंट होती है। क्रेडिट पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट्स हैं वो उसके साथ स्टेटस को रहता है, यानी कि यथास्थिति जो है बनाई जाती है। तो गवर्नर साहब जो मोहर लगा देते हैं यथास्थिति पर कि कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो रेट्स में चेंज ना होने की वजह से बाजार एक राहत की सांस लेता है और 10 बजे के बाद निफ्टी स्पेशली नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तकरीबन 12:15 बजे का समय था और एक बास्केट सेलिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में होती है, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले एक सेलिंग स्टार्ट होती है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, जिसके अंदर अगर हम देखें तो अभी काफ़ी बढ़िया वाला चार्म जो है बना हुआ था। और हालांकि अभी वहीं से जो है सेलिंग हुई, ट्रिगर हुई और एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद दिन भर बाजार कंसोलिडेट करते रहे। तकरीबन 1:45 बजे के आसपास बाजार ने एक ऊपर जाने की जो है भरसक कोशिश की, लेकिन वहां पर वो जाने में सफल नहीं हो पाया क्योंकि 2:45 बजे के आसपास एक सेलिंग जो है फाइनेंशियल स्टॉक्स में होती है और जो निफ्टी को भी नीचे खींचने का काम करती है। और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी जो अहम भूमिका निभाता है वो निभाता है कोटक महिंद्रा बैंक। और बाद में मार्केट आवर्स के बाद एक न्यूज़ आती है कि कैनेडा पेंशन फंड 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी कल जो है सेल करेगा और उसकी जो प्राइसिंग है वो हो सकता है कि 5% डिस्काउंट तक भी हो सकती है। तो उसकी वजह से हमें ये लास्ट मिनट सेल जो है हमें देखने के लिए मिली कोटक महिंद्रा बैंक में। और हालांकि आज दिन भर भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कमजोरी बनी हुई थी। अब आज का जो मेन फोकस रहा कि भाई क्रेडिट पॉलिसी में ऐसा क्या हुआ कि भाई ये बाजार में करेक्शन आई। नहीं, बाजार की ये जो हल्की फुल्की सी करेक्शन है, हम इसको हल्की फुल्की करेक्शन भी नहीं बोलेंगे, हम इसको एक माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे क्योंकि बाजार काफ़ी स्ट्रेच्ड है। तो बाजार में ऐसे जो मूव्स वो आते रहेंगे। और अभी ये जो एक्सपायरी डे जो होता है उस दिन क्या होता है कि जिन लोगों ने भी पुट बेच रखी होती है वो शेयर्स को हर कीमत पे रोकने की कोशिश करते हैं अगर बाजार ऊपर से गिरता है तो एक अच्छे प्राइस के ऊपर जो है माल जो है बिक जाता है क्योंकि सभी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑप्शंस को रोकने की कोशिश करते हैं बाजार को गिरने से, यानी कि पुट ऑप्शंस को। तो जनरली ज़्यादातर एक्सपायरी में क्या हो रहा था कि पुट ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो लगातार पैसा बना रहे थे क्योंकि कहीं भी पुट बेच दो कुछ दिक्कत आ ही नहीं रही थी। तो बहुत समय के बाद जो है ऐसा लगा कि भाई एक्सपायरी डे में लगभग 15-20 मिनट में इस तरीके की सेलिंग हुई। तो सेलिंग तो कुछ नहीं है, बाजार फ्लैट ही, ऐसा तो रोज ही रह रहा है, लेकिन सेलिंग इसलिए लग रही है क्योंकि बाजार ऊपर जाकर नीचे आए हैं। अगर बाजार खुलते और फिर इस तरीके की क्लोजिंग होती तो आपको कुछ भी नहीं लगता, ऐसा लगता कि अरे नॉर्मल है बाजार। लेकिन बाजार पहले ऊपर गया, ऊपर जाके जो सेलिंग आई वो जो है आपको एक सीवियर दिखने लगी और कैंडल भी इसीलिए जो है बड़ी वाली रेड बनी है। और हालांकि अभी भी जो निफ्टी जहां पर बंद हुआ है वो अपनी सपोर्ट के आसपास है, 18,600 तोड़ने में ना भाई साहब निफ्टी ने ना बहुत मेहनत की है। आप ये देखिएगा, ये सारी कैंडल, जितनी कैंडल्स आपको नजर आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कैंडल लगी निफ्टी को 18,600 तोड़ने में, और वो भी तब जब आप अच्छी 2 ग्रीन कैंडल नीचे से बेस बनाकर आए थे। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 18,600 होल्ड होता है या नहीं होता है। और जो अगला पड़ाव है, जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ाव है, इस बॉक्स का जो लोअर पॉइंट है वो 18,450 के आसपास है। हालांकि आपको स्क्रीन पर 18,461 नज़र आ रहा है। ये एक बॉक्स है जो इस बॉक्स के अंदर शायद अभी हमें देखने लगे कि बाजार घूमे। और बाजार जो है अगर 18,461 के नीचे क्लोज दे दे, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूँ, 18,461 के नीचे अगर फॉल दे दे तो आने वाले समय में आप 18,000 के आसपास भी बाजार को जाता हुआ देख पाएंगे। तो हालांकि अभी जो स्थिति है, क्योंकि हम ये कहेंगे एक सेलिंग हो गई है बाजार एकदम मंदा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए, सेलिंग हुई है और ऑप्शन चेन के डेटा भी जो है ख़राब नहीं है क्योंकि पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई आज भी। और
ये केवल एक्सपायरी डे की जो है इस तरीके की मूवमेंट होती है, ये सच में ट्रेंड रिवर्सल है। ये अभी समय लगेगा थोड़ा, बट मोस्टली जो है अभी तक जो प्राइस एक्शन है वो ऐसे ही लग रहे हैं कि भाई केवल एक्सपायरी डे था, उसी की जो एडजस्टमेंट है। लेकिन 18,600 एक अहम पड़ाव है। अगर 18,600 टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो अगला पड़ाव हमारा होगा 18,461 पे, और 461 के नीचे अगर बाजार बंद हो गया तो काफ़ी अच्छी चांसेस है कि बाजार फ्री फॉल की तरफ जा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड, ये से तेजी के सितारे। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, ग्रासिम और एक्सिस बैंक, ये सब थोड़ी सी कमजोरी थी। अभी देखिएगा ग्रासिम में काफ़ी अच्छा पुल, बहुत अच्छा रनअप था पिछले 2-3 दिनों में, तो वहाँ पे हल्का सा सेलिंग हुई। टीसीएस के अंदर देखिएगा कल नेस्डेक में कमजोरी थी, तो उसका असर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके का कैश फ्लो मॉडल है, थोड़े चैलेंजेस हैं इन कंपनीज को, ऐसा नहीं है, बट ये 5-6 महीने जो इनको अपने पोर्टफोलियो में अगर बीट एंड डाउन स्टॉक समझ कर अगर इनको रखेंगे, तो मुझे लगता है कि टीसीएस जैसे शेयर्स आने वाले समय में काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट करेंगे। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशो भी वही देखिएगा, 12:45 के आसपास ही बिगड़ी, और घटने वाले शेयर्स तो एकदम आज चांद पे पहुंच गए, और बढ़ने वाले आज जमीन पर आके गिर गए शाम होते होते। तो एडवांस डिक्लाइन देखिए, कभी कभी होता है ऐसे कि जो है तेजी वाले जो शेयर्स हैं वो एकदम धड़ाम गिर जाते हैं, और धड़ाम वाले की गिरे तो 12:45 के आसपास थे, फिर बाद में संभल भी नहीं पाए और 3 बजे के आसपास तो फिर तेजी से गिर गए। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी और एलएनटी जैसे शेयर्स आज तेजी में थे। वहीं कमजोरी थी ग्रासिम इंडस्ट्रीज में 3% की, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.73 की, सन फार्मा में 2.72 की, और टेक महिंद्रा में 2.23 की। निफ्टी बैंक 44,000 पर ही बंद हुआ है, थोड़ा सा माइनर आप लगा लीजिएगा, उसके नीचे जो 4 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ है 4.75। अब इस यहाँ पे जो कैंडल है, आप देखिएगा निफ्टी बैंक की कैंडल ज़्यादा वीक है। रीज़न ये है कि जो निफ्टी बैंक ने जो पीछे ये जो रनअप दिया था ये इतना स्मूथ नहीं था, और 3 कैंडल एक ही कैंडल के अंदर साफ हो गई, तो 3 कैंडल जब एक कैंडल में साफ हुई हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर निफ्टी बैंक बंद हुआ है, देखिएगा दोनों इंडेक्स में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपनी स्पोर्ट पे जाके बंद हुआ है। और निफ्टी की जो स्पोर्ट है आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने में जो भी लोग ट्रेडिंग देख रही है, ये सारी कैंडल आपको कहाँ नजर आ रही है बताओ, ये सब नजर आ रही है 18,600 के आसपास, 600 से और 900 के बीच में, ये पूरे ट्रेड कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए। तो निफ्टी बैंक अपनी जो स्पोर्ट है वो नीचे की तरफ 43,600 के आसपास लेगा अगर नीचे की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आज वाले ही हैं, क्योंकि आज देखिएगा दोबारा से इस 44 के आसपास आए हैं, तो बाजार ये हो सकता है कि इस बॉक्स में काम करे या दोबारा से ऊपर चला जाए। तो अभी चांसेस ये कि देखिएगा, क्योंकि नियर टर्म में बिल्कुल हम हाई के आसपास थे, तो बुल्स को कोई ज़्यादा जान लगानी नहीं थी, जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि भाई एक बार हाई लगा दे उसके बाद टूटता तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते कि फिर ज़्यादा फॉल आ जाए। लेकिन हो सकता है कि बाजार अभी अटैम्प्ट करने की कोशिश करे कि भाई एक बार मैं कोशिश करूं कि जो है 52 वीक हाई लगे, अगर वो नहीं होता है तो फिर देखिएगा फिर इसी बॉक्स में काम करेंगे, और अगर 43,600 के नीचे बाजार बंद हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि निफ्टी के 52 वीक हाई लगाने के सपने ख़त्म हो सकते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। 43 अगर 600 के नीचे बंद हो जाता है, फिर एक अच्छा खासा फॉल हमें निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, अगर ऐसा होता है तो। अभी तक रेंज बाउंड ही ट्रेड है, और हो सकता है महीने के अंत तक पिक्चर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, तो जो चांसेस हमारे हैं और वो यही है कि बाजार जो है बहुत बुरे तरीके से जो है स्ट्रेच किया हुआ था, वैल्यूएशंस के अगेंस्ट चल रहा था, हालांकि बैंक निफ्टी साइड लाइन था, बाकी शेयर्स जो है आपस में इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही थी। तो आज देखिएगा जो ऑप्शंस के बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उनको लगा कि ठीक है यार बाजार ओवरबोट है, थोड़ा बहुत तोड़ना होगा, 300-400 पॉइंट तोड़ देंगे ऊपर से, तो ठीक है पुट राइटर से पैसे निकलवा लेते हैं आज। तो आज पुट राइटर से पैसे निकलवा लिए, 20-25 रुपये वाली पुट भी जो है 100-150 रुपये हो गई, तो यहाँ पर ये जो है आज पुट राइटर्स जो है थोड़ा सा ट्रैप हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो पोजिशनल पुट राइटिंग है वो भी ट्रैप हुए हैं,
और होता क्या कि जब इस तरीके से बाजार नीचे आता ऊपर से, तो हमारे जैसे जो ट्रेडर्स हैं वो भी अगर मान लीजिए बंदी की पोजीशंस बना रखी हो तो आउट ऑफ द मनी जो है पुट बेचते हैं। हो सकता है कि आगे पीरियड की पुट बेच दे, मतलब 1 महीने 2 महीने आगे की पुट, क्योंकि जब तक बाजार टाइम पास करेगा तो उन पुट में तो प्रीमियम डिके होगा, और दूर की है तो अगर बाजार गिर भी जाए तो आपको जो है लॉस तो नहीं होगा। बस ये कि जब आपके प्रॉफिट के आसपास आएंगे वहाँ पे, तो जो पोजीशंस हैं वहाँ पर उसकी एक एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है। तो क्योंकि दूर के महीनों की अगर आपने पुट सेल कर दी है और वहाँ पे मान लीजिए कि आपको 200 300 रुपये 400 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो वो ये है कि वो तो श्योर है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने मंदी की पोजीशन बना रखी है और आप पुट थोड़ी दूर की बेच रहे हैं, तो अगर बाजार गिर भी जाता है तो वो जो पुट का भाव होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और जो आपने कॉल बेच रखी है, जो इंडेक्स फ्यूचर्स में मंदी कर रखी है, वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बन जाता है। तो ऐसा भी जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है कल पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि देखिएगा अभी अगले महीनों की जो अगले जो पीरियड्स की एक्सपायरी हैं उनमें भी अच्छा काम हो रहा था, वीकली में भी और मंथ एंड वाली में भी। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये खाली कल तक के लिए थी, यानी कि आज तक के लिए थी, और कल दोबारा से बाजार जो है फिर वो पुल बैक कर जाएगा, तो या बाजार एक सीवियर पेन के लिए तैयार होगा। देखिएगा अगर बाजार नीचे आके 43,600 को रिस्पेक्ट नहीं दे और इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो आप देखिएगा बहुत बढ़िया चांस हो जाते हैं एक फ्री फॉल होने के, एक बाजार के बहुत बढ़िया तरीके से गिरने के चांस बनेंगे। लेकिन वो बनेंगे तभी जो 43,600 के नीचे बंद होगा, अगर एग्जैक्ट फिगर है 43,856, जहाँ पर आप जो है चार्ट पे भी देख पा रहे हैं। आज कहाँ पे जो है तेजी आई, देखिएगा 2 3 दिन से ना एचडीएफसी बैंक परेशान कर रहा था 1600 के आसपास जाता, आज एचडीएफसी बैंक नहीं बचा रखा था, बाकी सारे बैंक कोटक एक्सिस आईसीआई आईडीएफसी फर्स्ट बंधन सब कमजोरी में थे। देखिएगा अभी हुआ क्या था, हाल फिलहाल में 2 3 दिन में एक्सिस बैंक ने जो है नैया पार लगा रखी थी बैंक निफ्टी की, आज वो वीक हो गया। कोटक महिंद्रा की बात मैंने आपको बता दी, आईसीआईसी बैंक देखिए कि यही 936 937 पे कल परसों भी आया था, और उसके बाद आज फिर वहीं पर आया है। तो इसका मतलब है कि जो कल एचडीएफसी बैंक या आज सुबह जो है आईसीआई बैंक में जो तेजी दिख रही थी वो भी नेगलेक्ट हो गई, और फेडरल बैंक एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आज फ्लैट टू पॉजिटिव थे, बाकी सभी बैंक माइनस में थे। आज एफआईज ने कोई सेलिंग तो की नहीं, बाइंग की है और सेलिंग की है आपके डीआईज ने, फिर भी कोई मामू ज़्यादा नहीं थी, तो फिर भी ये सेलिंग इसलिए लग रही क्योंकि ऊपर से बाजार आए हैं। और इसके साथ इंडेक्स फ्यूचर्स जो है 442 करोड़ की सेलिंग की है और 515 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन, तो ये भी कोई खास वीकनेस वाले डेटा नहीं है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में 1094 करोड़ की सेलिंग है। तो कुल मिला के आज जो है फाइज नेट सेलर्स रहे हैं। इसके अलावा देखिए पुट कॉल रेशो, बैंक निफ्टी निफ्टी की पुट कॉल रेशो 1.33, यानी कि पुट राइटर डरे नहीं हुए, उनको लगता है यार बाजार नहीं गिरेगा, तो पुट राइटर एग्रेसिवली अभी भी बैठे हुए हैं, 1.33 की रेशो है। बैंक निफ्टी में 0.931 है, यहाँ पर भी मतलब पुट बेचने वाले थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि बाजार नहीं गिरेगा। तो हालांकि अभी ये देखिएगा उनका कॉन्फिडेंस काम करता है या कॉन्फिडेंस फेल होता है, वो आपको कल थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट काम कर रहा है, ब्रेंट क्रूड $75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन में भी आप देखिएगा इतना सब कुछ होने के बाद भी 18,700 में आज कॉल राइटिंग हुई, तो पुट राइटर भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे। हालांकि थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाली जो लेवल है तो कॉल राइटिंग माइनर सी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में देखिए 44,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हुए, तो 44,000 अभी भी जो है लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे अभी भी जो है काम होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इसी के आसपास जो है मंडराता रहेगा। फिर बोल रहा हूँ 43,600 के नीचे गया और उसके नीचे क्लोज होता है, तो फिर आपको मंडे में एक अच्छी सेलिंग भी जो है देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।